बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऑटो ड्रा रोड प्रोफाइल इन ऑटो कैड के ऊपर बताऊंगा कि आप वर्टिकल कर्व के डेटे के साथ उसकी कैलकुलेशन भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली होगी। आप उसके अंदर 10 वर्टिकल जो कर्व्स हैं उसका डेटा आप इनपुट करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद जस्ट आपने इधर से प्रेस क्लिक करना है, तो ये आपका सारा डेटा ऑटो कैड के अंदर प्लाट हो जाएगा और नीचे पूरी इसकी डिटेल कर्व्स की डिटेल्स वगैरह सारी आ जाएगी, और इधर आपके पास ये कैलकुलेशन FRL ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इससे पहले मैं आपको इसी सिलसिले के अंदर दो वीडियोज़ बना कर बता चुका हूँ, जिसके अंदर कि हमने एक वर्टिकल कर्व के डेटे के ऑटो प्लाट के ऊपर हम आए थे। तो इधर कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि आप इसको एक्सटेंड कर दें, तो ये मैंने अभी 10 वर्टिकल डेटे के तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो आपने इस इधर से जस्ट इसको जैसे क्लिक करना है और इधर को ओपन करके आपने पेस्ट कर देना है। जैसा कि ऑटो कैड को मैं ओपन करता हूँ, तो ये आपके सामने मुख्तलिफ स्केल के ऊपर ये सारी प्रोफाइल्स एक ही प्रोफाइल बनी हुई है। 1 हॉरिजॉन्टल, 5 वर्टिकल स्केल है, 1 हॉरिजॉन्टल, 10 वर्टिकल, इसी तरीके से 1 हॉरिजॉन्टल और 15 वर्टिकल स्केल है इसका, 2 हॉरिजॉन्टल है, 5 वर्टिकल है, 2 हॉरिजॉन्टल, 10 वर्टिकल, और इसी तरीके से 2 हॉरिजॉन्टल और 15 वर्टिकल का स्केल है। तो ये आपके सामने, आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये आपके सामने पूरी कर्व की इसकी जितने भी आपकी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी सारी आ जाएगी, जो कि आपने दी गई होगी। इसके अंदर आपका PEC स्टेशन, उसका VPT स्टेशन और इनके एलिवेशन वगैरह, कर्व नंबर्स, और नीचे आप आते हैं तो इनके एलिवेशन वगैरह सारे आपके पास आ जाएंगे। नीचे आपकी IDs आ जाएंगी, इधर आपके NSL और ऊपर आपके FRL। तो ये कंप्लीट एक प्रोग्राम हैगा, इसके अंदर आप 10 कर्व्स का डेटा आप इनपुट कर सकते हैं। जिस तरह का आप ये देख रहे हैं 10 नंबर PI हमारी, हम डेटा जो इनपुट करेंगे उधर तक की कैलकुलेशन आ जाएगी, उसके बाद जो भी आप एंड स्टेशन देंगे उधर तक इसने एक्सटेंड इसको कर देना है। तो ये इसी तरीके से पूरी प्रोफाइल्स ये सारी हमारी बनी हुई है, आप इनको देख सकते हैं, और इसके ऊपर आप इस फाइल को डाउनलोड करके और इधर अपना काम कर सकते हैं। तो अगर आप आते हैं प्रोफाइल के ऊपर, जिस तरह की हमारे पास आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास प्रोफाइल्स होती हैं, जस्ट एक सिंपल के मैं बता रहा हूँ कि आपने स्टार्ट स्टेशन और उसके कोऑर्डिनेट्स दे देने हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो वर्टिकल कर्व आपकी आएगी उसका आपने VPI स्टेशन, उसका एलिवेशन और कर्व लेंथ आपने देनी है। इसी तरीके से आप इसकी आगे एक्सटेंड करते जाएंगे, आपने बस सिर्फ इसके अंदर 3 चीज़ें देनी है, VPI स्टेशन देना है, VPI एलिवेशन और कर्व की लेंथ। आपने ये कर्व का जो डेटा देना है उसके अंदर जस्ट आपने ये 3 चीज़ें देनी है। तो ये आप ये चीज़ें देते जाएंगे इसी तरीके से, तो उसके बाद नीचे जो एलिवेशन है ये सारे आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे, और इसके कर्व के ऊपर जो इधर आपको ग्रेड्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ये सारे आपके पास इधर इसके ऊपर ये कैलकुलेट हो जाएंगे। जिस तरह ये आपके पास नज़र आ रहा है, जो भी आपका ग्रेड इधर जा रहा होगा वो ग्रेड इधर आपको बता देगा सारा आपका कर्व का डेटा, ये सारी MO, G1, G2 और सारी कैलकुलेशंस ये आपकी ऑटोमेटिकली इस डेटा के हिसाब से होंगी। तो डेटा आपने कैसे इनपुट करना है उसका मेथड मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने ये मेथड से ये सारा कुछ इधर से ख़त्म कर देता हूँ। ये हमारा इनपुट डेटा, ये जो सेल आपको नज़र आ रहे हैं ये सेल, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल का सेल, उसके बाद प्लॉटिंग स्टेशन, प्लॉटिंग स्टेशन का जितना भी आप इंटरवल देंगे इधर, ये नीचे आपके जो एलिवेशंस वगैरह होंगे सारे उसी इंटरवल के ऊपर आएंगे। अगर आप ये मैंने इधर 50 दिया हुआ है, आप इधर इसको कम कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। तो ये आपने डेटा आपने इधर से इनपुट करना है, जो जो से मैं इधर से सेल आपको बताऊँगा आपने जस्ट उस सेल के अंदर इनपुट करना है, और उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन आपकी ऑटोमेटिकली होगी सारा कुछ। उसके बाद आपने बटन प्रेस करना है और उसको प्लॉट कर देना। तो अभी ये आप देख रहे हैं बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट है, PI 1, 2, 3 से लेके 10 तक, और आखिर में एंड ऑफ जो प्रोजेक्ट है आपका आपने वो इनपुट करना है। आप इसके ऊपर डिज़ाइन भी बना सकते हैं अगर आपके पास, आप लाजमी नहीं है कि आपने अपनी ड्राइंग को देख किसको बनाना है, आप अपना पूरा डिज़ाइन वर्टिकल PI का आपने स्टेशन और इधर एलिवेशन उसका दे दें, वर्टिकल कर्व की लेंथ दे दें, तो ये भी आपका प्रोग्राम पूरी कैलकुलेशन आपको करके देगा। पूरी का पूरा जिस तरह आपका डिज़ाइन बना हुआ होता है सारी की सारी कैलकुलेशन ये उसी तरीके से प्रॉपरली करके देगा। तो आपने सबसे पहले इधर अपना बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट लिख देना है, 0 है तो आपने 0 लिख देना है, और कोई भी आपके पास 1+500 है, 2+00 है, जो भी है, तो आपने 10 उसको स्टार्ट कर देना है और उसी पॉइंट का एलिवेशन देना है। ख्याल रखना कि ये आपका PVC कर्व लेंस से बाहर हो, तो आपने इसको इसी तरीके से इस पोर्शन को आपने करना है और इसको आपने कंप्लीट करना है। तो आपने ये स्टेशन देना है बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, उसके बाद 715.50 जो भी एलिवेशन है वो आपने इधर इनपुट कर देना है। पहले पॉइंट के साथ आपकी वर्टिकल कर्व की लेंथ नहीं आएगी, इसको आपने खाली रखना है। उसके बाद PVI 1 है हमारे पास, जो भी आपके पास स्टेशन है 1, 2, 3
0.406 वो आपने इनपुट कर देना है, साथ उसी पॉइंट का एलिवेशन। ये जो हमारे पास कर्व आ रही है इसका आपने इसी तरीके से फर्स्ट एलिवेशन आपने पहले ये स्टेशन दे देना है, उसके बाद इसका एलिवेशन और उसके बाद वर्टिकल कर्व की लेंथ, ये तीनों चीज़ें आपने जस्ट इसके अंदर इनपुट करनी है। तो हमने VPA स्टेशन इंटर कर दिया, उसके बाद 718.574 आपने उसका एलिवेशन इनपुट कर देना है, उसके साथ वर्टिकल कर्व की जो लेंथ है ये आपने कर देना। तो ये आपका PI1 का सिर्फ इनपुट डेटा, आपने ये तीन चीज़ें देनी है उसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट PI आपकी आ जाएगी, वो आपने इधर दे देनी है। मैं कहता हूँ कि तो मेरे पास 2050 है VPI स्टेशन है, उसके बाद एलिवेशन 724.766 और उसके बाद इस वर्टिकल कर्व की लेंथ है 250 मीटर। इसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट PI 3+400 मेरे पास PI है, उसका एलिवेशन है 735.50, उसके बाद उसका इसी तरीके से वर्टिकल कर्व लेंथ है 350, उसके बाद 4+100, उसके बाद उसका एलिवेशन 734.13 और उसकी वर्टिकल कर्व की लेंथ 350। ये इसी तरीके से आपने ये डेटा इनपुट करना है। नेक्स्ट 4+900 730.821 और उसकी वर्टिकल कर्व की लेंथ हमारे पास है 400। इसी तरीके से नेक्स्ट आपने आ जाना है 5+450, हमारे पास VPI स्टेशन है, उसके बाद 725.356 और इसी तरह उसकी वर्टिकल कर्व की लेंथ आपने इनपुट कर देनी है। PI नंबर 7+6+500 हमारे पास, उसका एलिवेशन 710.450 और इसी तरीके से उसकी वर्टिकल कर्व की लेंथ 350 हमारे पास है। नेक्स्ट 7250 और इसके बाद इसका एलिवेशन 694.563 और इसकी वर्टिकल कर्व की लेंथ 350। इसी तरीके से नंबर 9 के ऊपर हमने आ जाना है, 7250 हमारे पास नंबर 9 कर्व है, इसका एलिवेशन है 694.563 और इसी तरीके से इसका जो हमारे पास वर्टिकल कर्व की लेंथ है वो 300 मीटर है। नंबर 10 हमारे पास है 7+800, इसी तरह उसकी जो एलिवेशन है 695.483 और इसकी वर्टिकल कर्व की लेंथ है 250 हमारे पास। उसके बाद जो एंड वाला स्टेशन है, जो भी एंड आप जिधर तक करना चाहते हैं आप उसका स्टेशन इधर इनपुट कर दें। मैं इधर से 885 कर देता हूँ और मेरा इसका एलिवेशन है 692.50। तो ये आपने इनपुट कर देना है, इसके साथ आपने वर्टिकल ग्राफ की लेंथ नहीं देनी। तो ये आपने डेटा जस्ट इस तरीके से इनपुट करना है, तरीकाकार आपको समझ आ गया होगा। ये मेरे पास प्रोफाइल ओपन हुई है, आपने इधर से VPI स्टेशन, उसका एलिवेशन और वर्टिकल ग्राफ की लेंथ देनी है। आप जब ये लेंथ देंगे तो उसके अंदर G1 G2 K की वैल्यू, E की वैल्यू और ग्रेड आपके, और जैसे VPC स्टेशन उसका एलिवेशन, VPT स्टेशन उसका एलिवेशन, सारा कुछ इधर आपके पास इधर ड्राइंग के ऊपर जिस तरह ये प्लॉट हुआ हुआ है सारा ये प्लॉट हो जाएगा। तो आपने ये डेटे को इस तरह इनपुट कर देना है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्केल है, ये प्लॉटिंग स्केल इन ऑटो कैड है, आप ऑटो कैड के ऊपर जब प्लॉट करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे करेंगे। तो ये मैं पहले थोड़ा सा आपको इधर बता दूँ कि ये जब आप डेटा इनपुट कर देंगे तो इधर से ये सारी कैलकुलेशन आपके पास ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपका VPC स्टेशन सारे आ जाएंगे, VPC एलिवेशन आ जाएंगे, VPT स्टेशन और VPC एलिवेशन, इसी तरीके से इधर ग्रेड की कैलकुलेशन आ जाएगी और इधर MO की कैलकुलेशन आपके पास सारी इधर आ जाएगी। तो आपने ये कैलकुलेशन इस तरह करनी है। अगर आप ऑटो कैड को प्लॉट नहीं करना चाहते तो आपने इधर से जस्ट स्टेशन इनपुट कर देना है, जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर आप स्टेशन क्रिएट करना चाहते हैं। आप ये स्टेशन इनपुट करेंगे तो नीचे आएंगे तो ये सारे आपके स्टेशन उसी तरीके से आ जाएंगे। और ये जो रेड कलर के एलिवेशन जा रहे हैं ये कैलकुलेशन ऑफ FRL जो है ये आपके ऑटोमेटिकली इस डेटे के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएंगे। ये NSL है, NSL आपने मैनुअली इनपुट करने हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर आपने ऑटो कैड के अंदर प्लॉट नहीं करना, जस्ट उसके एलिवेशन निकालने हैं, तो आपने उधर से अपना स्टेशन का इधर इंटरवल आप इनपुट कर देंगे तो नीचे आपकी सारी कैलकुलेशंस हो जाएगी। आपने जो एलिवेशंस वगैरह कैलकुलेट करना है तो आपने जस्ट इसके अंदर ये इंटरवल आपने इनपुट कर देना तो ये नीचे सारे आपके एलिवेशंस कैलकुलेट हो जाएंगे। ऑटो कैड के ऊपर आप पूरी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो उसके सिलसिले में आपने इधर आ जाना है। हॉरिजॉन्टल स्केल आप 1 का रखना चाहते हैं आप 1 का रख दें, वर्टिकल स्केल 1 का रखना चाहते हैं तो आप 1 का रख दें, जैसे ये दोनों स्केल इनपुट कर देंगे। इसी तरह कर्व डेटा टेक्स्ट हाइट, तो ये आप इधर आ जाते हैं तो ये आपका कर्व डेटा जा रहा है। ये कर्व डेटा की आप टेक्स्ट हाइट इधर जो भी आप इनपुट करना
चाहते हैं आप कर दें, मैं जैसे 7.5 कर देता हूँ। इसके बाद एलिवेशन टेक्स्ट हाइट, तो एलिवेशन टेक्स्ट हाइट है मेरे पास इधर, ये नीचे वाले जो एलिवेशन आ रहे हैं इनकी टेक्स्ट हाइट सबकी एक सेम टू सेम होगी। आप जो भी जैसे देना चाहते हैं आप इसकी दे दें, मैं जैसे इसकी हाइट 12 कर देता हूँ या 10 कर देता हूँ, जितनी भी आप रखना चाहते हैं। इसी तरह डाटम एलिवेशन हाइट है, डाटम एलिवेशन आपके ये एलिवेशन जा रहे हैं, ये जो एलिवेशन है इनकी हाइट और ये टेक्स्ट वगैरह इधर आपके पास आएगा, इसकी हाइट आपने इधर दे देनी है। मैं इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 25 मैं कर देता हूँ। तो ये आपने डेटा जस्ट इसके अंदर से इनपुट करना है, इसकी हाइट आप खुद देख लीजिएगा जितनी भी इनपुट करना चाहते हैं अपने डेटे के हिसाब से प्रिंट के अंदर वाजा है। तो आपने इधर से ये तीनों हाइट इधर दे देनी है, देने के बाद ये आपका पूरा सेक्शन इधर कम्प्लीट हो जाएगा। जस्ट आपने प्रेस एंड पेस्ट इन कैड के बटन को आपने इधर से प्रेस करना है, तो ये आपका डेटा कॉपी हो जाएगा। तो आप सेकंड नंबर शीट के ऊपर आते हैं, तो ये हमारी कैलकुलेशन शीट हुई हुई है, ये सारी कैलकुलेशन शीट है, सारी ऊपर से कैलकुलेशंस हुई हुई हैं, लेवल्स वगैरह सारे लगे हुए हैं, सारी कैलकुलेशंस इधर आपको इधर नज़र आएंगी सारी। ये सारी ओपन शीट होगी, आप देख रहे हैं वर्टिकल कर्व्स की सारी कैलकुलेशन हुई हुई है, ऊपर से लेके बहुत बड़ी शीट है। इसको आप यूज़ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप इसको ईजिली देखें, सेव एस करके इस्तेमाल करें, कमांड्स को देखें कैसे लगी हुई हैं। तो ये सेकेंड शीट जो हमारी ये इसकी कैलकुलेशन की शीट है सारी, और फर्स्ट नंबर के ऊपर जो डेटा इनपुट होएगा ये आपने डेटा इनपुट इधर कर देना है। इसके ये भी आपके सामने आ जाएगा कर्व के जो एलिमेंट्स वगैरह हैं सारे, और उसके बाद नीचे इनके ये एलिवेशंस इधर आ जाएंगे। तो आपने ये डेटा जब इनपुट कर देना सारा, उसके बाद ये आप ये देख रहे हैं ये इधर एन एस एल हमारे इसके अंदर लिखा है इनपुट मैनुअल। आपने ये जो एलिवेशंस जितने भी हैं ये सारे आपने मैनुअल इनपुट करने हैं, क्योंकि ये मैंने तो हर प्रोफाइल का हर एनएसएल का अलग अलग होता है। डिज़ाइन को तो हम बना सकते हैं, लेकिन जो आपके एनएसएल होंगे उसको आपने जैसे मैनुअल इनपुट करना है इस डेटे के ऊपर, जिस तरह भी ये आपके पास पूरा ये जा रहा है सारा। तो जैसे मैं आपको ख़त्म कर बताता हूँ थोड़ा सा सैम्पल, जो भी आपके सामने इधर एलिवेशन आ रहा होगा 716 मेरे पास आ रहा है, आपने उसको कर देना है। इसी तरह 716.25 है, 716.350, 716.001, 715.95, 715.65, 715.20 और इसी तरीके से 714.25 और 712.235। आपने ये एलिवेशन सारे के सारे इसी तरीके से इनपुट करने हैं इसके अंदर, जिस तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपने ये डेटा इसी तरीके से जो एनएसएल आपके होंगे, जो जो सी भी आरडी होएगी उसका इंटरवल आपने इधर से सेट कर देना है। आपके पास एनएसएल जितने जितने डिस्टेंस को बता रहे हैं, 50 को बता रहे हैं तो 50 मीटर का डिस्टेंस लगाना है, 20 को बता रहे हैं 20 को लगाना है, 10 मीटर को बता रहे हैं तो आपने जैसे 10 मीटर का डिस्टेंस इसके अंदर लगाना है। तो उसके बाद आपने जो जो सी आरडी आपकी आएगी उसके सामने के जो एनएसएल होंगे उसको आपने इसी तरीके से इनपुट करते जाना है, जिस तरीके से मैनुअल होंगे। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर में मौजूद है तो डायरेक्ट आप इधर से उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपने इधर इसी तरीके से इस डेटे को इधर बना लेना है पूरा एंड तक, जितने तक आप अपनी प्रोफाइल्स को बनाना चाहते हैं। ये जस्ट मैंने लेवल वैसे ही लगाए हुए हैं, ये एक सिंपल सा फार्मूला इसके अंदर लगा हुआ है। ये वाला जो आपके पास एनएसएल होंगे ये आपने इसके अंदर मैनुअल इनपुट करने हैं। ये आपने इनपुट कर देना है, उसके बाद आपने इधर से प्रेस बटन को आपने प्रेस कर देना है, ये जो ऑटो कैड को प्लॉट करने वाला बटन है उसको आप प्रेस करेंगे, उसके बाद आपने ऑटो कैड के ऊपर आ जाना है। जैसे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा प्लॉट करके बताऊँ इधर से। उसके बाद आपने इधर आना है, जस्ट इधर आपने कमांड बार के अंदर पेस्ट कर देना है। आप ये देख रहे हैं आपके सामने थोड़ा सा ये प्रोग्राम टाइम लगाएगा अपने सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि फाइल्स ये इसकी एक्सेल के अंदर बनी हुई होती है, तो उधर से आपने परेशान नहीं होना इसके ऊपर। तो ये आपके पास अभी आप ये देखेंगे हमारे पास इधर इसकी दोनों लाइन्स लग गई हैं, एफआरएल की भी और इसकी एनएसएल की, ये लाइन प्लॉट होंगी। इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके ऊपर इसने वर्टिकल कर उसका पूरा डेटा इधर बना देना। ये आपके सामने इधर पूरा वर्टिकल कर उसका डेटा इधर प्लॉट होता जा रहा है, सारा का सारा डेटा आपके सामने इसी तरह प्लॉट होता जाएगा। ये आप देख रहे हैं जिस तरह मेरे सामने इधर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसी तरह आप जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये आपका पूरा डेटा इसी तरीके से प्लॉट हो जाएगा। तो ये नीचे इसके एलिवेशन आ जाएंगे, ऊपर वर्टिकल कर्व का डेटा आ जाएगा, ये 1:1 का स्केल आएगा इसके अंदर, इसने इसी तरीके से प्लॉट होना है। तो ये आप ये देखेंगे कि ये पूरा डेटा हमारा सेम टू सेम प्रॉपरली प्लॉट होता जा रहा है, थोड़ा सा इसने टाइम लगाना है, आपने उसका वेट करना है। तो ये आप ये देखेंगे ये थोड़ा सा जो टाइम होएगा वो आपका जस्ट वो आपका 20-30 सेकंड 40 सेकंड का होएगा। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि अभी हमारे पास इधर पूरा इसका डेटा बन गया है, इधर वीपीसी स्टेशन आ गया, उसका एलिवेशन आ गए हैं, वीपीआई नंबर आ गया ऊपर, और ये पूरा कर्व का
पूरा कंप्लीट डेटा जो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आया हुआ था सारा का सारा इधर आ जाएगा। तो ये पूरा डेटा इसी तरीके से इधर बन जाएगा सारा। अभी आपने इसके ऊपर जो से भी स्केल आपने लगाने लगा दे, इधर से थोड़ा सा स्केल हमारा बड़ा है, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा इसके हिसाब से। अगर वो मैनुअल भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इधर से वर्टिकल स्केल आप चेंज करना चाहते हैं, आप 1:5 के ऊपर बनाना चाहते हैं, आप 1:5 के ऊपर बना सकते हैं। आपने इधर से स्केल जस्ट चेंज करना है इसका, और इधर आपने आ जाना है ऑटो कैड के ऊपर, और इधर आपने इसको पेस्ट कर देना है। आप पेस्ट करेंगे तो देखेंगे वही डेटा हमारा आगे स्केल के हिसाब से प्लॉट होना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगाएगा, आपने उस चीज़ का वेट करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे मैंने इधर प्लॉट किया है तो ऊपर थोड़ा सा वो टाइम लगता है प्लॉटिंग में, क्योंकि ये एक ही फाइल के अंदर मैं ये काफ़ी सारी फाइल्स बना रहा हूँ, तो ये इसलिए टाइम लग रहा है। आपने जो भी फाइल बनानी हो, जो भी चीज़ करना हो, आपने अलहदा से न्यू ऑटो कैड खोल के ओपन कर लेना है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि हमने इधर इसकी 1:10 के ऊपर इसकी प्रोफाइल को ड्रा कर दिया। ये नीचे हमारे पास 1:1 की प्रोफाइल थी, सेकेंड नंबर के ऊपर 1:5 की आई, थर्ड नंबर के ऊपर अभी हम इसको 1:10 के ऊपर ड्रा करेंगे। 1:10 के ऊपर ड्रा करने बाद आपने जैसे पेस्ट वाले बटन को क्लिक करना है, और इधर आके ऑटो कैड के ऊपर आपने आके पेस्ट कर देना। ये इधर मैंने थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा कर दी है ताकि हमारे टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाए, क्योंकि ये मल्टीपल फाइल्स इकट्ठी हो रही हैं सारी, तो ऑटो कैड थोड़ा सा उसकी मेमोरी मेरी लो हो जाती है। तो आपने भी इसको इसी तरीके से अलग अलग बनाना है। अभी आप 2 और 5 के ऊपर बनाना चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करके साइड पर रखूँगा, और इधर 2:10 के ऊपर मैं इसका स्केल बनाऊँगा। तो आप देखेंगे 2 और 10 के ऊपर भी हमारी लेंथ इधर से सारी चेंज हो गई है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी दोनों हमारी चेंज हो गई है। अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारा 2:1 के ऊपर बन गया, इससे ऊपर जो प्रोफाइल बनी थी ये 1:10 के ऊपर बनी थी, ऊपर 2:10 के ऊपर बनी है। इसी तरह आप 10:10 के ऊपर भी उसको बना सकते हैं थोड़ा समय से इसको मूव करा के, और इधर मैंने पेस्ट कर देना है। आपने भी इसी तरीके से कमांड बार के अंदर ऑटो कैड को ओपन करना है और इसको पेस्ट कर देना, तो ये आपका सारा ड्रा होगा। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये हमने 10:10 का स्केल रखा था, तो ये हमारा इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा हमारा। आप जो भी स्केल इसके ऊपर रखना चाहते हैं, जिस स्केल को भी बनाना चाहते हैं, आप इसके प्रोफाइल को बहुत इजीली बना सकते हैं। बहुत यूजफुल प्रोग्राम है सारा, तो उसका मेथड आपने सारा देख लिया होगा, सारा आपको समझ आ गया होगा। आपने जस्ट इधर से स्केल चेंज करना है, जो से भी स्केल के ऊपर आप बनाना चाहते हैं वो स्केल आपने चेंज करना है। जो सी जितनी भी RD आप ये 50 इंटरवल है, 50 मीटर के ऊपर ही ये NSC जो हमारे लेवल आएंगे ये 50 मीटर को पर आएंगे। इसी तरीके से आप इसका डिस्टेंस चेंज कर देते हैं, 25 कर देते हैं, तो ये इसने सारा नीचे ये आपको बाबा 25 मीटर के ऊपर सारे एलिवेशन भी हमारे आ जाएंगे और सारा कुछ आ जाएगा, और इधर से इसका जो डिस्टेंस होएगा वो 25 मीटर के ऊपर भी आ जाएगा। तो आपने ये इसको इसी तरीके से बनाना है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, यूजफुल प्रोग्राम है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, आपने उधर से इसको देख के डाउनलोड कर लेना है और उसको अपने इस्तेमाल के अंदर ले आना है। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, ये ऊपर लिंक दिया गया है, आप इसको क्लिक कर लें, दोस्तों को भी इन्वाइट करें। बहुत यूज़फुल चैनल है मेरा आप लोगों के लिए, और आप मुझे बता दें आपको जो जो सी भी चीज़ के ऊपर आपको प्रोग्राम चाहिए तो मैं आपको वो बना के बताऊंगा। तो आपने इस प्रोग्राम को इसी तरीके से यूज़ करना है, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। अल्लाह हाफिज़।